शिमला नगर निगम के चुनाव का बजा बिगुल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप। आप उम्मीदवारों ने दबाव बनाने का लगाया आरोप। मंडी में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर की जानकारी साझा। कहा विकास को लेकर कर रहे कई कोशिश। तिब्बत के 14वें आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बौद्ध समुदाय के लोगों में दिखा आक्रोश। हमीरपुर में राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी की हुई शामिल। और नाहन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने किया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि खत्म होने के बाद नगर निगम के सभी वार्डों पर 107 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। निगम के 10 वार्ड पर बीजेपी और कांग्रेस सीधे मुकाबले में है। इन वार्डों में किसी भी अन्य पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। विधानसभा चुनावों के साथ हिमाचल में राजनीति में एंट्री लेने वाली आम आदमी पार्टी भी नगर निगम चुनावों में मैदान में है। हालांकि आम आदमी पार्टी सभी 34 वोट पर प्रत्याशी तो नहीं लेकिन तलाश पाई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पर प्रदेश में तीसरे दल के दाखिल ना होने का आरोप लगा रही है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला के अंदर कांग्रेस और भाजपा की जो दोनों पार्टियां हैं बौखलाई हुई है, ये दोनों चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ इनकी एक छत्र राज रहे, कोई भी तीसरी पार्टी यहां पे ना आए, इनकी सेटिंग चली रहे। आपको पता है एक बार तू एक बार मैं वाला खेल यहां हिमाचल प्रदेश की जनता देख चुकी है। एक बार भाजपा ठगती है तो दूसरी बार कांग्रेस चली आती है। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ शिमला जो नगर निगम की जो समस्याएं हैं आज भी एज इट इज़ है। दोनों पार्टियाँ सत्ता में रही है, पर यहाँ जो है लोगों की सुविधाओं के लिए दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी आई है तो आम आदमी पार्टी ने सर्वे किया और सर्वे के आधार पर देखा कि जो समस्याएं यहाँ शिमला नगर निगम के लोगों की है वो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है जो हमने पिछले कल जारी कर दिया। मंडी सदर के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान सदर में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे शहर की तस्वीर बदल जाएगी। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि मंडी शहर के विक्टोरिया पुल पर फ्लाईओवर बनाने का विचार किया जा रहा है जिसे विधायक ने प्राथमिकता पर रखा है। तो कल ये फैमिली देखो कैसे स्टैंड करती है। उसने कहा कि कल मेरी पिक्चर रिलीज होगी तो कल मैं तेरा टीजर साथ में रिलीज करूंगा पब्लिक में बताने के लिए कि ये परिवार सलमान खान परिवार इकट्ठे है। तो कल उसका टीजर इसके हमने कल किया है और अकेले नए डायरेक्टर नए प्रोड्यूसर के साथ उसने पिक्चर को बनाया है और मैंने पिक्चर का देखी है। पिक्चर भी है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हट के रोल है उसमें। जो उसने अंतिम पिक्चर की थी अंतिम से भी कॉन्फिडेंट और अच्छा रोल उसने किया। तो हिमाचल में पहला लड़का है जो हीरो बना है, ये भी बताना चाहता हूँ। हीरोइने बड़ी बड़ी है पर हीरो एक ही है। तिब्बत के 14वें आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसको लेकर दलाई लामा की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है जिसमें दलाई लामा ने बच्चे और उसके परिवार वालों से माफी मांगी है। दलाई लामा ने अपने शब्दों के लिए क्षमा याचना की है, लेकिन अब बौद्ध समुदाय के लोगों में इसको लेकर काफी रोष है। उनका कहना है कि इस वीडियो को साजिश के तहत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह दलाई लामा के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। घटनाक्रम हुआ है जो हुआ है और हम उच्च न्यायालय में जाने का हमने पूरा फैसला बनाया है निस्बत की हमें वहां से इजाजत मिले धर्मशाला से। और मुझे लगता है कि ये या तो हमारे कोई मीडिया चैनल ने टीआरपी बनाने के लिए ऐसी खबर लगा दी है, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है या धर्मगुरु प्रसिद्ध है, या हो सकता है चीन का भी हाथ हो इसमें, ये भी शक कर रहे हैं हम। डिफेम करने की मंशा, टीआरपी बढ़ाने की मंशा मैं कह चुका हूँ,
जो मीडिया वालों ने करा है, और चीन का ये हो सकता है कि इनको साइडलाइन करे को, तिब्बत इतना बड़ा जगह है। देखिए चीन कभी हिंदुस्तान के साथ तो लगा ही नहीं हमारी सीमा, कभी भी, आज भी नहीं है। और वो आप पुराने नक्शे देखे उठा के, तो चीन तो हमसे मतलब कि कई हजारों किलोमीटर दूर है नक्शे में। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा कब्जा तभी हो पाएगा ना, अगर कोई उसका संरक्षक नहीं होगा तभी। हमीरपुर के ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेहरी में पश्चिमोत्तर भारत की अनुसूचित जनजातियों का समाज प्रियावास और अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा के निदेशक प्रोफेसर नारायण सिंह राव ने की। हमीरपुर के नेहरी संस्थान पहुंचने पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का उपस्थित विद्यार्थियों और आयोजकों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर बी आर ठाकुर, मंडी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राकेश शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन हो रहा है जो परिसंवाद हो रहा है, राष्ट्रीय परिसंवाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हो रहा है। आप सबको मालूम है कि आज के परिसंवाद में विषय जो है पश्चोत्तम अनुसूचित जनजातियां, उनका रहन सहन, उनका जीवन, उनके जीवन की जो जीवन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेकर यहाँ विस्तृत चिंतन हो रहा है। और आपको पता है कि आजादी का हम लोग इस बार 75वीं वर्षगांठ मना के 76वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हम विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, चाहे इनके रहन सहन को लेकर, इनके जीवन यापन को लेकर, इनकी नाहन जिला मुख्यालय में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में डीसी सिरमौर राजकुमार गौतम विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसी राजकुमार गौतम ने कहा कि रक्तदान मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा है, जिसे महादान भी कहा जाता है। वहीं निरंकारी मिशन के प्रचारक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि साल 1986 से लगातार संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत की तरह समाज सेवी करता है, जिसके मुख्य रूप से रक्तदान शिविरों का आयोजन, पौधारोपण और स्वच्छता अभियान शामिल है। संत निरंकारी मिशन नाहन के द्वारा जो है यहाँ पर चौहान के बाग में, जिनका जहाँ आश्रम है वहाँ पे किया गया। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 1986 से ब्लड डोनेशन का जो है वो आयोजन कर रहे हैं, और लगभग 12 लाख यूनिट जो आज तक इन्होंने इकट्ठे करके लोगों को दिए। तो इससे बड़ी मानवता की सेवा क्या हो सकती है, जिसमें कि इतनी संख्या में जो है और इतने कंटिन्यूटी में जो है वो ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, और लोगों को, जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको एक एक ब्लड की जो कतरा है उसकी जरूरत पड़ती है। और जो इनके मिशन के जो अध्यक्ष हैं या थे पहले, उनका जो एक संदेश है कि खून जो है वो नालियों में ना बह के जो नाड़ियों में बहना चाहिए, तो बहुत ही एक शुभ संदेश है और जिससे सारी मानवता को सीख लेने की आवश्यकता है कि जो निरंकारी मिशन है ये लगातार अनेकों सेवाओं आपके समक्ष कहके गए। उन्होंने भी शासन उनकी सानिध्य में जाकर हमने घर घर राशन पहुँचाने का भी कार्य किया। जैसा आपने कहा कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगातार 1986 से लेकर आज तक चलते आ रहे और 36 वर्ष लगातार निरंकारी मिशन ये कैंप लगातार आ रहा है, जिसमें कम से कम 6,991 कैंप्स लग चुके हैं और जिसमें 11,58,760 यूनिट्स ब्लड जो है कलेक्ट हो चुका है 2022 तक, मार्च 2022 तक। हिमाचल प्रदेश में पहला इन हाउस जिम और योगा क्लब का शुभारंभ जिला पुलिस कप्तान मोहित चावला द्वारा बद्दी थाने में किया गया। इस दौरान एएसपी नरेंद्र कुमार, डीएसपी प्रियंका गुप्ता और एसएचओ राकेश रॉय ने एसपी का स्वागत किया। वहीं जिला पुलिस कप्तान मोहित चावला ने कहा कि इस व्यायामशाला में तमाम उपकरण हैं, जिसके प्रयोग से पुलिसकर्मी खुद को फिट रख सकेंगे, जिससे पुलिसकर्मियों की परफॉर्मेंस में सुधार होगा और बेहतर ढंग से पुलिस कार्य कर पाएगी।
परहैप्स हिमाचल पुलिस के लिए एक नया माइलस्टोन है। अगर मेरे फैक्ट्स ठीक हैं तो बद्दी पुलिस स्टेशन हिमाचल का पहला पुलिस स्टेशन है जिसमें इन हाउस जिम आज शुरुआत की गई। मैं यहाँ के SHO साहब को और यहाँ के SO साहब को दोनों को बहुत मुबारक देता हूँ। हमने लास्ट ईयर, आप जानते हैं कि हमने अपने लड़के, अपने जवान, जो हमारे बहादुर लड़के और लड़कियाँ हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए कुटुंब योजना का शुरुआत की थी। कुटुंब योजना के तहत लड़के और लड़कियाँ डे एंड नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, टाइम नहीं होता। मैंने एक प्रस्ताव किया कि आप एक थाने में क्यों नहीं छोटा सा जिम खोल दें। मैं बहुत गर्व की बात है कि विदिन 2-3 मंथ्स हिमाचल पुलिस ने ऊना जिले में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस अभियान शुरू किया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस अवेयरनेस अभियान में लोगों को हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग बिना नंबर प्लेट और अन्य कागजातों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ऊना सदर थाना क्षेत्र के SHO मनोज वालिया की अगुवाई में अवेयरनेस अभियान शहर में चलाया जा रहा है। वहीं SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले यह अभियान शुरू किया गया था, इसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक अवेयरनेस, जैसे इसमें हेलमेट ना पहनना लोगों द्वारा, या मोटरसाइकिल स्कूटर पे या और व्हीकल पे नंबर प्लेट ना होना आगे पीछे, या ट्रिपल राइडिंग करना मोटरसाइकिल के स्कूटर पे, तो उसके लिए अवेयरनेस चलाया हुआ है। फिलहाल रेयर रास्ता रेयर हो रहा है, अभी चला नहीं हो रहे हैं। 10 डेज का, 10 दिन का बचा है बकाया, हमेशा 4 दिन है बकाया। तो हमारी लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृपया हेलमेट का यूज़ करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें। और नंबर प्लेट का बड़ा इशू है, क्योंकि काफ़ी लोग जो एक्सीडेंट करके भाग जा रहे हैं, नंबर प्लेट होगा, रिडेबल होगा, तो उसके लिए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।